दादी तो नंकार। ए छोरी की चाली तू भाई गल्ला। दादी एनवाइस में जासू संभाल खा हरियाणा में। दादी उड़े सतगुरु माता जी ने बुलाए सा सारे बाल के, उड़े खेल होवेंगे और ब्रह्म ज्ञान की बात बतावे से। एक खेल खेलते छोरे छारिया का होस है, छोरिया का तो चूल्हा चौका होस है। दादी खेल के साथ साथ सतगुरु माता जी जीने का ढंग भी सिखावे से। जब तक जीने का ढंग नहीं आता तो चूल्हा चौका भी ना संभले, बसे बसाए घर टूट जाए। हे वो क्यों करे? दादी सत्संग में जाएंगे तो जीवन सुधरेगा, और खेला में जाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और दादी शरीर तगड़ा होगा और नशे पत्या तो दूर रहेंगे। और जे हम सुखी तो हमारा परिवार सुखी, परिवार सुखी तो संसार सुखी, और युवा पीढ़ी सुधर जा। इसलिए सतगुरु माता जी एनवाईएस कल समझावे से। जो भी ये स्पोर्ट्स से आज जो वैल्यूज जो सीखने को मिलेगा हर गेम से, वो हम अपने जीवन में संभालें वो वैल्यू को। गेम तो हर कोई खेलता है, पर एक फ़र्क होता है कि एक ब्रह्मज्ञानी जब कोई भी गेम खेलता है तो उसका जो हिडन मीनिंग है वो अपनी जीवन की शिक्षा बनाकर उसके रूल्स, उसकी मर्यादा या कुछ भी जो भी अलग गेम से सीख सकते हैं हर से। ए, इसी सुतरी बात बताओ समाता जी। मैं तो सोचू थी ये बालक फोना में गेम खेलना से कदा बाहर भी जावेंगे ये बालक। हे माता जी, आपने तो खेल के साथ साथ जीने का भी ढंग सिखा दिया। जा रे थोरे सारे बालका ने कह दे एनएसएस में जाना से। दादी वो एनएसएस नहीं होता, एनवाईएसओ है। 1, 2, 3 दिसंबर ने संभाल का हरियाणा में जाना से। ठीक है दादी, हम जाना है।